देवियों और सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सिटी केबल के प्रोग्राम में। तो आज के हमारे डिबेट का मुद्दा है कि हिंदी सिनेमा के गीत मतलब के होते हैं या बेमतलब के। तो इस विषय में हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं कुछ मतलब के लोग और कुछ बेमतलब के लोग। तो मतलब के लोगों में से हमारे साथ मौजूद है मुंबई से शंकर, एहसान और लॉय साहब, और बेमतलब लोगों में से हमारे साथ जुड़ी हुई है बेमतलब 80 रोटियां खाने वाली औरत और बेमतलब औरत घूमने वाला इंसान। हम बेमतलब औरत नहीं बने हैं, इससे घर बार चलता है हमारा, समझे? बात करता है रोला साहब, आप चलती डिबेट में कैसे घुसा है? और चलती डिबेट में आता, रुकी हुई डिबेट में कौन आता है? मैंने कल इस आदमी को इसकी शर्ट पकड़ के ऑलमोस्ट मैंने नाक पहुंच दिया था, ये फिर भी आ गया। ओ माय गॉड, शंकर एहसान लॉय साहब आए, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो आप जितने भी गाने बनाते हैं वो सारे मेरी ड्रिंकिंग हैबिट्स के ऊपर बनाए। तो आपका गाना था मन मगन, मैं इतना, मेरे को अच्छा लगा, मैं दिन पी रहा था, मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मेरे को समझ ना आया कि गाने की वजह से टूट रहा हूँ क्या दारू की वजह से। मेरे को बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा हुआ। थोड़े दिन पहले गणपति जी आए थे, आज शंकर जी आए, बहुत अच्छा लगा। चलो भाई शुरू करो यार। जी जी बैठिए प्लीज, रोड़ा साहब शुरू हो चुका है, करो क्या? तो फिर खत्म हो जाओ। तो जी चर्चा शुरू करते हैं हमारी डिबेट पे। बड़े तुम करो चर्चा, मेरे पहले बड़े चर्चे हैं। आप बताइए, आपको हिंदी सिनेमा के गानों से क्या प्रॉब्लम है? अरे सिद्धू साहब, मेरे को पहले उस गाने से बड़ी प्रॉब्लम थी, कहती पौ कहती पै, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। लेकिन जब से मैंने इस आदमी का मुंह देखा वो मेरे को गाना ठीक लगने लगा। कहती पौ कहती पै, ये कोई गाना हुआ है यार? हाँ जी, मैं आपके मुंह पर जो पौ करता हूँ। रोड साहब आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, मुझे तुम पे कॉन्फिडेंस है, तुम कहीं पे भी गोबर कर सकते हो। तुम और ये कहीं पे भी कर देते हैं। आप थोड़ा सा क्या मुंह संभाल के बात कीजिएगा। तू अपना मुंह संभाल, टीवी से बाहर जा रहा है। अरे नहीं जाएगा, हम अपने कंधों से मुंह को बांध के आए हैं, कुछ नहीं होगा। प्लीज आप लोग मुद्दे से मत भटकिए, प्लीज मुद्दे पे रहिए। जी शंकर सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कुछ गाने ऐसे होते हैं हिंदी फिल्मों में कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, मतलब ये क्या, किस तरह के गाने हुए? ये जाके अपने पिताजी से पूछो। मेरे मौजिल मेहमान, मेरी बात सुन मौजिज, तेरे को ये शब्द करोड़ा साहब, प्लीज ये डिबेट चल रही है। मौजिज कहते मौजिज, ऐसा लग रहा है इसके मुंह में जुराब फंसी हुई है। अगर तुमने इतना हैवी उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल किया, अगर तेरे मुंह में शब्द फंस जाता, तुम्हारी सांस अटक जाती, कौन जिम्मेदार होता? प्लीज अरोड़ा साहब, प्लीज। हाँ जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या जितने भी गाने आते हैं हमारे हिंदी सिनेमा में वो सारे रियल होते हैं? जैसे हवन करेंगे ये गाना है, बोल तो दिया गाने में हवन करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। कई गाने ऐसे होते हैं जी जो पिक्चर के सिचुएशन को देख के बनाए जाते हैं, जैसे हम हैं, और कई गाने बस ऐसे आइटम सॉन्ग बन जाते हैं, जैसे ये। ओ यार कर लो यार, मैंने आप प्लीज अरोड़ा साहब, आप क्यों मुद्दे से भटक जाते हैं? बारिश में दो चीजें होती हैं, एक तो मेंढक बाहर आते हैं, दूसरा ऐसे बच्चे होते हैं। अरोड़ा साहब आप फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। यार तुम्हारा मुंह तुम्हारी बॉडी से भटका, मैंने कुछ कहा? अच्छा हमको सवाल पूछना है, जब म्यूजिक एक ही आदमी दे सकता है तो फिर आप तीन लोगों को म्यूजिक देने का क्या जरूरत पड़ गया? बहुत ज्यादा जरूरी है, एक आदमी मुखड़ा पकड़ता है, हाँ। दूसरा अंतरा पकड़ता है, तीसरा भाग के प्रोड्यूसर को पकड़ता है, कहीं भाग ना जाए। मुझे तुम्हारा सवाल पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। बहुत ज्यादा, हमें भी आपका शक्ल बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया है। बोला कोई बात नहीं बेटा, तुम इस दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है, तुम्हारा अपना ओपिनियन भी बनता है, पर तुम मेरे मुंह की छोड़ गए, अपने पति की तरफ ध्यान दो, बच्चे उस पे जाने वाले, मेरे पे नहीं। फिल्मों में गाना
डायलॉग भी होता है वो भी गलत होता है कई बार। हाँ। वो डायलॉग है ना, तेरी आंखों की नमकीन गुस्ताखियाँ वो सब है, तो हम डायलॉग सुन के हमारे जो पड़ोसी हैं उनके सामने आंखों से गुस्ताखी कर दिए। संतोष के भैया को पसंद नहीं आया, हमारे मुंह पे बटर जैम मारा, हमारा मुंह नमकीन हो गया। लेकिन जैम तो मीठा होता, आपका मुंह नमकीन कैसे हो गया? जब 2.5 मिनट तक जैम को मुंह में रख कर सब गुल्ला करके फिर फेंकते तो नमकीन हो जाता। बेटे देखो, उनका कसूर कोई नहीं है, तुम्हारा मुंह पीकदान जैसा है। मैं एक बार घूमने गया आगरा, मेरे को किसी ने शाहजहां का पीकदान दिखाया। मैं तुम्हें देख के मुझे याद आ गई इसकी। मेरा खुद दिल कर रहा है मैं फूक कर दूं, पर मैं पान नहीं खा रहा, इंतजाम कर देता। अरोड़ा साहब, आप दूसरों का मुंह देखते रहते, कभी आपने अपना मुंह देखा? ये तुम्हारा मुंह इसके जैसे, इससे थोड़ा अच्छा है, इतना खराब मुंह है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। आपको पता है मेरा मुंह बहुत अच्छा है, मेरी मम्मी कहती है कि मेरा मुंह फूल जैसा है। फूल जैसा है? आपने वो गाना सुना है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। ये वही फूल है। और तू अपने मुंह पे चड्डी डाल के आया कर। क्या बोलते रहते, आपका मुंह के अलावा कुछ नहीं समझता है क्या? मुंह के अलावा भी बहुत चीज होता है दुनिया में। हाँ, वही अलावा देखने के लिए हमारे भैया आपसे शादी किए थे। लेकिन आप तो छलावा निकले, आप अपना संस्कार कभी दिखाए नहीं हमारे भैया को। हाँ? अच्छा, ये बात मुझे इसकी बड़ी अच्छी लगी, मेन बात गोल कर गई। ये बहुत अपने इतनी खुद गोल नहीं जितनी बात गोल कर देती। अच्छा बेटे, मेरे को एक बात बताओ, जिंदगी में आपका गोल क्या है? मतलब गोल होने के अलावा और क्या क्या करती हैं आप? देखिए, हमारे जिंदगी का गोल है कि हम चौकोर हो जाएं, बस। अब काहे हमारे पीछे पड़े रहते हैं हमेशा। सिद्धू साहब, मेरा दोस्त है एक दिल्ली में, उसके पास 72 मॉडल का लमरेटा है, वो जब चलाता है कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। तुम्हारे पीछे वो भी ना पड़े, मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ूंगा? अच्छा, मेरे को ये कह रही थी, जब शंकर साहब आए मेरे को मिलाना, मुझे बताना है, उनसे पूछना है कि मेरे गले में मिठास है कि नहीं है। मैंने कहा पहले गला तो बता किधर है। परोड़ा साहब, यहाँ पर गानों की बात हो रही है, कुत्तों की बात नहीं हो रही। भाई तुम्हें खुश होना चाहिए, गानों के बीच तुम्हारा भी जिक्र हो रहा है। परोड़ा साहब, आपने नहीं मानना फिर? नहीं, डिबेट नहीं होने देनी आपने। अत्तू जी, आप बताइए, नेवली जैसी बहन। हाँ, पूछिए। सुअर जैसे भाई साहब, हम गाना है उससे प्रॉब्लम है। उसको गाना नहीं कहते, उसको बाल तोड़ कहते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम है। चुप करो वरना वही बाल तुम्हारे मुंह पे तोड़ देंगे हम। अच्छा, मुझे इतना बुरा नहीं लगा जी, इतना बुरा मुझे 1990 में लगा। मैं एक मिनट, मैंने कुछ कहा? मैंने कहा मुझे जीरो पे आउट कर दिया। बाखोश है? नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे आप। कार यूनस था वो आदमी, मैं भूल नहीं सकता। अच्छा, मैं इनसे करता हूँ बहुत ज्यादा प्यार। मैंने कहा यार जीरो पे आउट हो गए, मैंने फिर हाईलाइट्स देखी, मैंने कहा हो सकता है इसमें दो स्कोर बना ले, उसमें भी जीरो पे आउट। अच्छा, फिर मैंने उसकी DVD निकलवाई उस मैच की, मैंने वहां पे भी लगा के देखा, नहीं जीरो। और फिर मैंने जाके YouTube पे देखा, जीरो नहीं मैच। 26 साल से मैच देख रहा हूँ, नहीं बना नहीं रहे स्कोर। हाँ बेटे चलो, लंगूर जैसे मुंह वाले बोलो। हमें आपके हर बात बुरी लगी, हर बात जो बोलते हैं ना आप, हर बात बुरी लगी। हमको फालतू बात किए ना तो वही खटिया मारेंगे मुंह पे, हम सच कह रहे हैं। हमको इनका बात बुरी लगी, हम कह रहे हैं। अच्छा, तो हम आपके मुंह पे मारेंगे खटिया, अगर कोई ऐसी फालतू बात किया तो। तुम्हें शर्म नहीं आती बुजुर्ग को ऐसे मारते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या आप कुछ भी बात बोलते रहते हैं? अरे मेरी बात, शर्म आना चाहिए। देखो मेरे को शर्म कहाँ से आएगी, मेरे को सर्दी होती छींक नहीं आती, शर्म मेरे को कहाँ से आएगी? अभी मैं लाइव चला जाऊंगा। देखो प्लीज प्लीज प्लीज, अभी एम्बुलेंस आएगी, रुकिए। देखो मेरी बात, ऐसा सैटेलाइट से बात एक मिनट बेटे, बोलते रहते हैं इतना, तुम इतना नहीं है गर्दन नहीं है, कहाँ से लाए गर्दन? अगर आप ऐसे झगड़ा करेंगे तो हम क्या करेंगे? बेटे मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, भगवान ने इतना एरिया दिया है, बच्चों के लिए प्ले स्कूल बनवाओ इधर। बहुत ही बदतमीज आदमी है ये। तो है बदतमीज, बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे रुकिए, कहाँ जा रहा है आप? देखिए कहाँ उठा के मारे, रुकिए, कहाँ चले?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.